हेलो नमस्कार, इजी मैथ विद नीलम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल हमने चर्चा की थी ब्याज के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर, तो आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इसको हम कहते हैं इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? हम जानते हैं कि ब्याज दो तरह के होते हैं, एक साधारण ब्याज जिसे हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने जिसकी बात की थी वो था साधारण ब्याज, जिसका फार्मूला हमने बताया था मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ठीक है, और जब ये साधारण ब्याज निकल गया तो हम इसको मूलधन में जब जोड़ देंगे तो ये जो हमारा धन आ रहा था इसे हम कह रहे थे मिश्र धन। ठीक है, आप मेरा लास्ट वीडियो एक बार फिर से देख लेंगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा, याद आ जाएगा। अब यहाँ बात चलती है चक्रवृद्धि ब्याज की। चक्रवृद्धि ब्याज, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि चक्रवृद्धि यानी ये बढ़ते रहता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। आइए हम इसको थोड़ा सा और डिटेल से समझते हैं। अगर हम 1000 रुपए कहीं जमा करते हैं, ठीक है, तो 10 रुपए की दर से एक साल में, एक साल में कितना इंटरेस्ट हो जाएगा मेरा? 1000 × 10 × 1/100, 100 रुपए। ठीक है, ये एक साल के लिए निकला है, एक साल में हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा 100 रुपए। ठीक, मूलधन कितना था? 1000 रुपए था, तो एक साल के लिए हमारा मिश्र धन कितना हो गया? मिश्र धन हो गया 1000 × 100 = 1100 रुपए। ठीक है, ये हमारा मिश्र धन हो गया। हम बात कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज की। अब दूसरे साल के लिए जो हमारा ये मिश्र धन है यही हमारा मूलधन बन जाएगा। ठीक है, तो मूलधन, ये मिश्र धन कितना है? 1100 रुपए, तो अगले बार के लिए यही हमारा मूलधन बन जाएगा। मूलधन क्या हो जाएगा? 1100। ठीक, जो हमारा ये 1000 रुपए था ये बन गया 1100। रेट हमारा वही है 10%। दूसरे वर्ष के लिए हम गणना कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? ये 1100 × 10 × 1/100। ठीक, अब जब हम इसको कैलकुलेट किए तो ये आ गया 110 रुपए। ठीक है, ये 110 रुपए क्या है? दूसरे साल का या ये ब्याज हो गया। ठीक, ये दूसरे साल के लिए मूलधन है, दूसरे वर्ष के लिए मूलधन। ये क्या था? प्रथम वर्ष के लिए था, प्रथम वर्ष के लिए मूलधन 1000 था, यही मूलधन दूसरे साल के लिए 1100 हो गया। ठीक है, अब इसके लिए ये मिश्र धन क्या हो गया? दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन कितना हो गया हमारे पास? मूलधन तो मेरा 1100 है, अब इसमें हमारा ब्याज जुड़ गया 110 रुपए, तो ये कितना हो गया?
जीरो एक दो एक, 1,210 रुपए। कितना मिश्रधन हो गया हमारा दो साल में, प्रथम वर्ष के लिए इतना हुआ और द्वितीय वर्ष के लिए इतना हो गया 1,210 रुपए। ये क्या निकला है हमारा, मिश्रधन निकला है। अगर हम पहले वर्ष से तुलना करें तो हमारा मूलधन कितना था, 1,000 रुपए था। हमारा मूलधन 1,000 रुपए था, दर हमारा 10% था, ठीक है। वर्ष एक वर्ष ये हो गया, एक वर्ष ये हो गया, ठीक है, दो वर्ष हो गया। तो ये हमारा जो मिश्रधन आया है ये दोनों साल का मिला के आया, यानी मिश्रधन इतना आया है तो हमारा ब्याज कितना मिला, चक्रवृद्धि ब्याज हमें कितना देना पड़ गया, 1,210 माइनस मूलधन हम घटा दें तो ये कितना आ गया, 210 रुपए, ठीक है। ये किसके हिसाब से आया है, चक्रवृद्धि ब्याज आया है, ठीक। अब अगर हम कहें कि दोनों में अंतर क्या है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है, तो हम इसी को साधारण ब्याज निकाल के देख लेते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन हमारा 1,000 है, दर 10% है और समय कितना है, दो वर्ष, एक वर्ष हमने यहाँ, एक वर्ष यहाँ, बटा 100, 10, ये 100 आया, ये आया 100 × 2 बराबर 200 रुपए, ठीक है। तो अब आप खुद ही देख लीजिए, जब इस पे चक्रवृद्धि ब्याज आ रहा है हमारा 210 रुपए और साधारण ब्याज आ रहा है 10 रुपए, सॉरी 200 रुपए, दोनों में कितने का अंतर आ रहा है, 10 रुपए का। तो ये अंतर है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज में और साधारण ब्याज में। इसीलिए कहते हैं कि ब्याज के ऊपर ब्याज बढ़ते चला जाता है, इसलिए इसको चक्रवृद्धि ब्याज के नाम से बोलते हैं, ठीक है। हमारा जो भी बिजली का बिल रहता है या बैंक में इंटरेस्ट हम जमा, सॉरी बैंक में जो भी हमें इंटरेस्ट लेना या देना पड़ता है, वो सब हमारा ये चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट ही लगता है, ठीक है, साधारण ब्याज नहीं लगता है। और इसलिए हमारा जो भी पेंडिंग रहता है, बिजली का बिल हुआ या घर का बिल हुआ, जो जिस भी प्रकार का बिल होता है या बैंक का इंटरेस्ट वगैरह, हमारा इसी तरह से ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज चढ़ते चला जाता है। और वो एक समय ऐसा भी आ सकता है अगर हम जमा न करें तो वो हमारे मूल धन से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। इसी को देखिए, मैं एक दूसरे एग्जांपल से आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल लिया है हमने कि पायल ने बैंक में 1,500 रुपए जमा किया, 3 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए ब्याज मिले। 1,500 रुपए जमा किया है और 3 साल के बाद उसे कुल कितने रुपए ब्याज मिले यदि ब्याज दर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि हो। यहाँ ध्यान दीजिएगा, वार्षिक जो ब्याज दर लग रही है वो चक्रवृद्धि लग रही है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है। तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले वर्ष का मूलधन, मूलधन हमारे पास 1,500 रुपए है और पहले वर्ष का मतलब हम हमेशा वर्ष एक ही शो करेंगे, एक ही लिखेंगे, चाहे यहाँ पे वो 3 वर्ष दिया है, क्योंकि हम 3 बार करेंगे इसको, इसलिए हम यहाँ पर हमेशा समय की जगह 1 लिखेंगे, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि 3 वर्ष लिखा है तो यहाँ पे 3 क्यों नहीं लिखा गया है, क्योंकि हमने यहाँ पहले ही लिख दिया कि पहले वर्ष का मूलधन और पहले वर्ष का ब्याज। तो पहले वर्ष का ब्याज कितना निकलेगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मूलधन 1,500 है,
तो ये आएगा 150 रुपए। ठीक, पहले वर्ष के अंत में मिश्रधन। अब मिश्रधन क्या, मिश्रधन का मतलब मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन हमारे पास 1500 रुपए थे और ब्याज हो गया 150 रुपए, तो ये आ गया 1650। ठीक है, 1650 क्या है, मिश्रधन आया पहले वर्ष के अंत में। अब दूसरे वर्ष के लिए मूलधन, जो पहले वर्ष का मिश्रधन था, पहले वर्ष के अंत का जो मिश्रधन था, यही हमारा दूसरे वर्ष के लिए मूलधन बन जाएगा। ठीक है, मेन चीज बस यहाँ आपको समझना है कि जो पहले वर्ष के अंत में जो हमारा मिश्रधन था यानी ब्याज और मूलधन, ये हमारा दूसरे वर्ष के लिए मूलधन बन जाएगा। तो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन 1650 रुपए। अब दूसरे वर्ष का ब्याज, यहाँ दूसरे वर्ष का लिखा है, दूसरे लिखा है, लेकिन हम यहाँ पे एक लिखेंगे क्योंकि दो नहीं लिख रहा है, दो वर्ष का ब्याज नहीं लिख रहा है, दूसरे वर्ष का लिख रहा है। तो ये हो गया 1650 गुणे 10 गुणे 1/100। जब हमने इसको सॉल्व किया, इसको हल किया, तो यहाँ पे ब्याज आया 165 रुपए, 165 रुपीज। तो दूसरे वर्ष के अंत में मिश्रधन, मिश्रधन कितना हो गया, मूलधन हमारा ये है 1650। 1650 में ये ब्याज हमने जोड़ा 165, तो हो गया 1815 रुपए। ठीक है, 1815 रुपए। अब ये जो 1815 रुपए है, जो मिश्रधन है, ये तीसरे वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा। तीसरे वर्ष के लिए मूलधन हो गया 1815 रुपए। अब जब मूलधन 1815 है, तो तीसरे वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 181.50 रुपए। जब हमने इसको सॉल्व किया तो यह आया 181.50 रुपए। ठीक है, तीसरे वर्ष के अंत में मिश्रधन कितना हो गया, मूलधन तो हमारा ये बन गया, ब्याज ये बन गया, तो जब हमने इन दोनों को जोड़ा तो आ गया 1996.50। ये हमारा क्या है, तीसरे वर्ष के अंत में हमारा ये मिश्रधन है। मूलधन हमारा था 1500 रुपए और मिश्रधन आ गया 1996.50। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकला, ब्याज होता है मिश्रधन ऋण मूलधन। ठीक है, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन 1696.50 माइनस मूलधन कितना था, 1500 रुपए। जब हमने इसमें से इसको माइनस किया तो ब्याज कितना आया, 496.50, 496.50। ये हमारा क्या आया है, चक्रवृद्धि ब्याज आया है। मतलब 1500 रुपए जमा किया गया है, 3 साल के बाद 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज हमें मिला 496.50। अब हम बात करें अगर साधारण ब्याज की, कि दोनों में अंतर कितना है। साधारण ब्याज भी हम देख लेते हैं। साधारण ब्याज हमने यहाँ पे निकाला है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो ये हमने कैलकुलेट किया है 1500 गुणे 10 गुणे 3/100। अब यहाँ देखिए समय 3 वर्ष है, तो 3 वर्ष हम ये पूरा लिखेंगे। ठीक है, इसमें ये दोनों ध्यान देने की बात है। जब हमने इसको सॉल्व किया तो आया ये 450 यानी 450 रुपए। ये साधारण ब्याज निकला है 3 साल का, और यहीं पे चक्रवृद्धि ब्याज निकला है 496.50। अंतर कितना आया, 46.50 का। तो ये इतना अंतर होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में। तो हमें उम्मीद है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर पता चल गया होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आया हो, तो आप हमसे फिर से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।